दोस्तों इस टाइम मैं हूँ धर्मपुर चौक पर। चलते चलते मेरी नज़र पड़ी एक छोटी सी शॉप पर, और इस टाइम ये सामने से जो रास्ता आ रहा है ये आ रहा है हरिद्वार की तरफ से, और ये जा रहा है क्लॉक टावर की तरफ। इस दुकानदार से चलो एक बार बात करते हैं। चलो भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई जी, नमस्कार। और आप पहले अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम सोनू भोजपाल है जी। सोनू भोजपाल। अच्छा, जोर से बोलिए। सोनू भोजपाल। अच्छा, और ये क्या बना रखा है आपने, जो इसके बारे में बताइए पहले मुझे। सर इनका नाम बरूले है। क्या नाम, इसका नाम क्या है? इनका नाम बरूले है, जो आलू और उड़द मसूर की दाल से बनते हैं। आलू के ऊपर कुछ चढ़ा रखा है आपने? आलू के ऊपर से उड़द मसूर की दाल की कोटिंग लगा रखी है, जिससे टेस्टी वगैरह हो जाते हैं, खाने में अच्छी होती है। मैं यहाँ पर तो अभी 8-9 महीने से आया हूँ। वैसे यूपी शाहजहानपुर में करता हूँ 8 साल से काम। मैंने ये पहली बार देखा है, और आपकी डेली लेकर के मेरा मन खुश हो गया। हाँ जी, हाँ जी। और ये काम करके कैसा लगता है आपको? भैया ये काम अपना खुद का काम करने में अच्छा लगता है। किसी की नौकरी करोगे जाकर बहुत से कहते हैं ये है वो है, तो अच्छा नहीं लगता। अपना काम है इसमें हमें अच्छा लगता है, क्यों अगर कुछ बच रहा है तो अपने लिए, किसी की वो नहीं है। और सबसे पहले विजी आपके दर्शन करें, आप भी यहाँ पर खड़े हैं, इनका टेस्ट कैसा है, इसके बारे में कुछ? बढ़िया जी, बिल्कुल। हम तो जिस दिन पहले दिन से आए भाई जी के पास ही आते हैं, जब भी आते हैं। पहले तो अपना शुभ नाम बताओ। तरनजीत सिंह। तरनजीत सिंह। हाँ जी। अच्छा, तो आपको इनका टेस्ट बढ़िया लगता है? बिल्कुल बेहतरीन बेहतरीन लगता है। आपका शुभ नाम क्या है? संजीव कुमार। संदीप कुमार जी, आप क्या करते हैं? मैं MRF टायर में कंपनी में काम करता हूँ। MRF टायर में? अरे लोगों को बढ़ाते हो आप हैं। हाँ जी भाई साहब नमस्कार। आप सबसे पहले अपना शुभ नाम बताइए। मोहम्मद नवाब। मोहम्मद नवाब साहब, मजा आ गया आपको देख करके। कैसी वैरायटी इनकी? और बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी है खाना, बहुत टेस्टी है। बहुत टेस्टी है, मजा आ गया मोहम्मद जी आपसे मिल करके। बिल्कुल मस्त है। आप क्या करते हैं थोड़ा अपने बारे में? मैंने सर रेडी लगा रखी है आम की। हाँ जी, रेडी लगा रखी है। आप मैंगो बेच रहे हैं आजकल? जी ठीक है। बेटा आपका नाम क्या है? मेरा नाम कार्तिक है। कार्तिक भाई, क्या करते हैं आप? मैं यहाँ पे शूज की दुकान में काम करता हूँ। शूज की दुकान में काम करते हो? पढ़ाई भी करते हो, खाली शूज ही बेचते हो? हाँ जी करते हैं। हैं? करते हैं। अच्छा, और इनके ये आलू के आपने खाए कभी? हाँ जी, रोज खाते हैं हम तो। रोज खाते हैं। कैसा टेस्ट है इनका? बढ़िया टेस्ट है जी। बढ़िया टेस्ट है भैया। पहले तो ये बताओ, ये जो आपने बना रखे हैं इनका रेट क्या क्या है? हाफ प्लेट कितने की है, फुल प्लेट कितने की है? फुल प्लेट हम 40 की देते हैं। हाँ। हाफ प्लेट 20 की देते हैं। हाफ प्लेट 20 की देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। आप एक काम कीजिए, दो हाफ प्लेट बनाएं। हाँ जी। और एक हाफ प्लेट ये भैया खाएंगे, एक मैं खाऊंगा। ठीक है, देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। ओके, अब मैं सामने बनाए। दोस्तों ये कढ़ाई के ऊपर आपने जाली क्या क्या लगा रखी है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए आप मुझे। ये इसलिए लगा रखी है, जैसे हम इसे ऐसे तेल से निकालते बार तो तेल कुछ इसमें निकल जाता है। निकाल के बाहर बाहर रखना थोड़ा। तेल पका जो इसके नीचे निकलता रहता है, किसी कस्टमर को दिक्कत भी नहीं होती। बहुत से को लोग कहते हैं ऑयल किससे नुकसान करता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आप ऑयल पूरा से छान के तभी खिलाते हैं? तभी खिलाते हैं। आप प्लेट डालिए, और इसके ऊपर आप क्या क्या डालेंगे ये भी मुझे बताना। मैंने यहाँ से ये सबसे पहले दो हाफ प्लेटों के लिए भरूले डाले, आपने आलू डाले। हाँ जी। अच्छा, और ये क्या डाल रहे हैं आप? ये काला वाला नमक है। हाँ जी। और ये काजू चटनी का मसाला है जो। वाह जी वाह। और इसमें ये हल्का सा मिर्चा डाला है। मिर्ची भी डालते हैं रेड कलर की? हाँ जी, हाँ जी। और ये नींबू प्याज वो सभी डालते हैं। प्याज खत्म हो चुका है मेरे पास। प्याज आपके खत्म हो गए? और नींबू भी इसी में डाले, एकदम बढ़िया करके बना के देते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसको प्लेट में ऐसे लगाकर क्या है? हरी चटनी क्या? जी हरी चटनी है, इसमें हरी मिर्चा धनिया सब बिल्कुल सब कुछ पड़ा हुआ है। मजा आ गया इनकी हरी चटनी देख करके, मुंह में पानी आ गया। खाके इसका टेस्ट बताता हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। भैया आपने पहले ये बताओ, दिल से बनाए? नहीं, मैंने दिल से बनाया, मैं सबके लिए दिल से ही बनाता हूँ। बच्चों को कह रहा था खिलाऊंगा मैं। हाँ पकड़ बेटे। अरे भाई जी, खा के पहले इसका टेस्ट बताओ मुझे कैसा है ये। बेटा अपना नाम बताओ पहले अपना। भाई जी मेरा नाम कार्तिक है। कार्तिक भाई, इसे खा के बताओ इसका टेस्ट कैसा है। भाई जी मजा आ जाता है खा के। मजा आ जाता है। हाँ भाई जी। भाई साहब नमस्कार। आप सबसे पहले अपना शुभ नाम बताइए। निखिल है? निखिल। निखिल भाई, क्या करते हैं निखिल भाई आप? मैं स्विगी करता हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया। और ये आप इनके आलू, आलू की क्या बोलते हैं इसको? बरूले। बरूले आप अक्सर खाते हैं इनके यहाँ के? इसका टेस्ट कैसा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
और ये कैसा टेस्ट आ रहा है आपके मुंह में? चटनी का काफ़ी अच्छा टेस्ट है इनकी। काफ़ी अच्छा टेस्ट है। भरूले भेज आए। और जो पब्लिक आपको देख रही है उन्हें कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा आगे टेस्ट करो, बढ़िया है। ठीक है ठीक है। भैया एक चीज़ तो बताओ आप, जो पब्लिक आपको देख रही है उन्हें कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं यही कहूँगा कि आप सब लोग आए एक बार, इसका टेस्ट लेके देखें कैसा टेस्ट है, खाने में कैसा लग रहा है। हाँ जी। अच्छा, आप यहाँ का एड्रेस बता दीजिए। यहाँ पर धर्मपुर चौक पर है, यहीं पे लगाते हैं। धर्मपुर चौक पर आइए दोस्तों, ये भैया कह रहे हैं धर्मपुर चौक पर आइए और एक बार मेरे स्पेशल आलू भरूले खाके देखिए। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। ये आलू खा रहा हूँ, इसके ऊपर कौन सी मूंग की दाल का टेस्ट है? उड़द और मसूर। दोस्तों ये आलू खा रहा हूँ, उड़द और मसूर का टेस्ट है, मैं खा के दिखाता हूँ इसका टेस्ट कैसा है। दोस्तों मज़ा आ गया, बहुत बढ़िया टेस्ट। मैं ऐसे आपको कैसे बताऊँगी इसका टेस्ट कैसा है, चटक पटक टेस्ट है। जिसको करारा चटक पटक खाना हो इन भैया की दुकान में आए और यहाँ के आकर के इनके आलू के क्या खाने हैं? भरूले, आलू के भरूले खाने आए। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।